संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी ने की आत्महत्या। डायरी में लिखा, पापा मैं सिर्फ दुनिया से जा रही हूँ, आपके दिल से नहीं। सोनभद्र जिले के चोपन थाना क्षेत्र के प्रीतंग में बीते दो दिन पहले एक किशोरी ने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। किशोरी ने फांसी क्यों लगाया, अब तक ना उसके घर वालों को ना ही पुलिस को इस विषय की जानकारी मिल सकी है। फिलहाल मृतक किशोरी की एक डायरी पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें उसने लिखा, पापा मैं सिर्फ दुनिया से जा रही हूँ, आपके दिल से नहीं। वही कुछ पसनल तो कुछ गीत लिखे हैं, कुछ तारीखें हैं, जिसमें सबसे ज्यादा दर्द उसको उन दिनों में मिले। पुलिस ने डायरी लेकर परिजनों के तहरीर के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दिया है। बता दें कि चोपन थाना क्षेत्र के प्रीतंग निवासी राममिलन विश्वकर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 16 अगस्त की शाम 6 बजे उनकी भतीजी ने आधी खुली खिड़की से अंदर झांका तो कमरे में बेटी देवीशी 14 पंखे के सहारे साड़ी के फंदे पर लटक रही थी। तत्काल दरवाजा तोड़कर उसे नीचे उतारा गया और चोपन CHC ले जाया गया, जहां से डॉक्टर ने जिला अस्पताल और फिर वाराणसी रेफर कर दिया। BHU ट्रॉमा सेंटर पहुंचने पर डॉक्टर ने बेटी को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को चोपन लाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। बाद में बेटी के कमरे व सामानों में खोजबीन की गई तो डायरी में सुसाइड नोट मिला। इसे पढ़कर यह जाहिर हो रहा है कि वह किसी के झांसे में फंसकर और उससे पीड़ित होकर ऐसा कदम उठाया है। सुसाइड नोट मिलने के बाद पिता ने चोपन थाने में तहरीर दी। आपका पति नरसिंह कुमार विश्वकर्मा जो किशोरी डेट की है, थाने द्वारा क्या पूछताछ की है, क्या मामला है? मामला अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है। हम उस दिन स्टेशन गए थे, एक मित्र थे उनको छोड़ना था, तो वहीं हमारी मिसेज हमको फोन की, तो हमें पता चला, तो वहां से हम दौड़ते हुए आए। बाहर देखे तो काफी भीड़ लगी थी, सब बाइक पे इसको बैठा के हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर उसके बाद हम भी साथ में हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल से फिर उसको चोपन हॉस्पिटल से राउटर्सगंज के लिए रेफर किया गया, फिर वहां से उसको ट्रामा सेंटर के लिए वाराणसी के लिए रिफर कर दिया गया। तो वाराणसी पहुंचने के बाद पता चला कि वो अब नहीं है, अभी तक हमें इतनी जानकारी मिल पाई है। क्या कारण था मौत को गले लगाने का? कारण तो अभी कुछ नहीं पता चल पाया है। लड़की कभी आपकी मन में उसकी कचट हो, जिसे आपको बता ना पा रही हो, कभी ऐसा लगा था कि लड़की मन में दुखी थी? कभी ऐसा नहीं, हम तो उससे हमेशा कोशिश करते थे, हमेशा बात करते थे, दुकान से भी फोन करते थे, स्कूल से आई कि नहीं, क्या है उसका, हम जितना जरूरत हो सकता था उतना ख्याल रखते थे। लेकिन उसके मन में क्या था कभी हम लोग समझ ही नहीं पाए, ना ऐसा कभी फील होने दी हो कि क्या था। तो लड़की के डायरी में कुछ लिखा हुआ मिला है जिसे सुनने में आ रहा है, आपको क्या लगता है? कुछ लिखा हुआ मिला है, एक कुछ जैसे 2 अप्रैल से 25 अप्रैल तक उसके साथ लिखी है कि कुछ भयानक घटना घटी थी। क्या घटना घटी थी अभी ये तो हम लोग जब घर आए देखे तो उसकी कॉपी वगैरह चेक किए तो उसमें ऐसा मिला हमें, तो इससे पता हमको ऐसा एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ गलत हो रहा था, वो बता नहीं पाई घर में, और इसके पीछे हमको कुछ ना कुछ किसी के दबाव में आके ही ऐसा की है, नहीं तो बच्ची ऐसी नहीं थी। सुसाइड नोट भी मिला है क्या बच्ची? सुसाइड नोट एक ग्रेवाल वालों को पता चले ऐसा लिखी है, और भी कुछ चीजें उसमें लिखी है, उसको आप देख सकते हैं। वॉलीबॉल खेलती थी? हाँ, वॉलीबॉल भी खेलती थी। ग्रेवाल वाले के बीच वॉलीबॉल को लेकर हुआ? हाँ। लड़की बनना क्या चाहती थी? लड़की हमारी पढ़ने में और ड्राइंग में बहुत तेज थी, वो बनने के लिए तो वो कभी कभी कहती थी डॉक्टर बनेंगे, फिर ये अधिकतर डॉक्टर ही बनने कहती थी, कुछ बड़ा करने का उसके लिए मन में था, कभी कहती थी हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, यही सब होता था। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ? हाँ, पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस पुलिस छानबीन में लगी होगी, हम लोग तो वहाँ FIR दर्ज करवा दिए हैं। तो अभी तक मौके को पुलिस अपने हालत पे कितनी बार आई, मौका मंगाना कब तक थी? अभी पुलिस
हम लोग को थाने में बुला के जानकारी ली है, अभी घर पर नहीं आई है, अभी तक नहीं आई है। मृतिका किशोरी ने डायरी में लिखा, इस दुनिया में आज मेरा आखिरी दिन है, जिसे भी मैं जानती हूँ उन सबको गुड बाय, और जो मेरे दुश्मन हैं, उन्हें भी मैं दोस्त मानती हूँ। पापा मैं जा सिर्फ दुनिया से रही हूँ, आपके दिल से नहीं, और माँ आप दुनिया की बेस्ट माँ हो। उद्धरण चिन्ह। इन अल्फाजों को अपनी डायरी में लिखने के बाद चोपन के प्रीतनगर निवासी किशोरी ने जान दे दी। उसका शव कमरे में पंखे के सहारे साड़ी के फंदे पर लटकता मिला। घटना के 4 दिन बाद परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है। डायरी में मिले किशोरी के खत को पढ़ने के बाद आशंका जताई है कि किसी के झांसे में आने से पीड़ित होकर उसने ऐसा कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बाबत प्रभारी सीओ संजीव कटियार ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। डायरी में मिले नोट में किशोरी ने ऐसी कोई बात नहीं लिखी है जिससे आत्महत्या की कोई वजह स्पष्ट हो। परिजनों के शक के आधार पर उसके कॉल डिटेल को खंगाला जा रहा है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। नहीं, ये देवेशी नाम की लड़की थी जिसने घर में अपने सुसाइड कर लिया था, कमरा अंदर से बंद था। ये 4 दिन पुरानी घटना है और इस पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। सुसाइड नोट नहीं, उसकी डायरी जरूर मिली है जिसमें उसने कविताएं, दोहे और बाकी चीजों का वर्णन और कुछ चित्र बना रखे हैं। उसमें कोई भी ऐसी बात इंगित नहीं है कि उसके साथ में कहीं से शोषण हो रहा हो या अन्य चीज हो। और मोबाइल नंबरों की डिटेल्स निकाली जा रही है, मृतका की भी निकाली जा रही है। आगे कुछ मिलेगा तो आपको अवगत कराया जाएगा। अब सुसाइड की वजह वही, उसकी डायरी भी देखी गई, डायरी में कुछ ऐसा उल्लेखनीय चीज नहीं आई है सामने। अब उसके मोबाइल को खंगाला जा रहा है, उसकी सीडीआर मंगाई जा रही है। जैसे कुछ मिलेगा हम आपको अवगत कराएंगे। घर वालों से निरंतर पुलिस संपर्क में है। सर, एक लेटर मिला है जिसमें गिरेवाल पार्क का जिक्र है लड़की द्वारा। नहीं, जिस पार्क का आप बता रहे हैं जिक्र, मैं बता रहा हूँ उसके चित्र बने हुए हैं, उसके चित्र बने हुए हैं, उससे कुछ बनाया है, दोहे लिखे हैं, कविता लिखी है, 4-4 लाइन की, वो चीजें हैं। पर वो किसी की तरफ इंगित नहीं कर रही है अभी कि वो सुसाइड नोट की तरह से उसको रीड आउट किया जाए। उसमें किसी का नाम नहीं है, कुछ नहीं है। ए मेरे दोस्त, देखा गया है क्योंकि सुसाइड नोट में ये लिखा गया। नहीं, कोई चीज स्पष्ट होती है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की बात अलग रही, जब तक कोई चीज स्पष्ट नहीं होती तो हम किसी के ऊपर इंगित उंगली नहीं उठा सकते कि ये चीज ऐसे है। जैसे कुछ हमें उल्लेखनीय चीजें मिलेंगी हम आपको अवगत कराएंगे। थैंक यू।